नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए जिसमें जम्मू के सौंदर्यकरण के साथ साथ यहां के लोगों को उच्चतम व्यवसाय भी मिल सके। इस समय मैं हूं जीवल रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पिछले साल ये जो बैम्बो हट से यहाँ पर बनाए गए, पीछे का कारण यही था, जो वेंडर्स हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनको ये जो हट्स हैं वो अलॉट किए जाएँ ताकि यहाँ पर वो अपने काम काज यहाँ पर शुरू कर सकें और साथ ही साथ एक अच्छी कमाई का साधन भी बन सके। वहीं आपको एक चीज़ और बताते हैं कि इन बैम्बो हट्स को बनाने के पीछे का कारण ये भी था कि ये अमरनाथ यात्रा से पहले पहले जो है बैम्बो हट्स बनाए गए ताकि अमरनाथ यात्रा में इन बैम्बो हट्स को ओपन कर दिया जाए और जब यहाँ पर यात्री आए तो जो व्यवसाय करने वाले हैं उनकी भी आमदनी अच्छी हो जाए। लगभग 6 से 7 लाख के बीच में बने हुए ये 8 से 10 बैम्बो हट्स हैं जो यहाँ पर BC रोड पर बनाए गए हैं, लेकिन अब इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बैम्बो हट में ताला लगा हुआ है और ताला लगने के कारण आज भी इन बैम्बो हट्स को कोई भी ऐसा ओनर नहीं मिला जो इनको खोल कर इनके अंदर अपने काम को जो है शुरुआत कर सके। और वहीं आप देख सकते हैं कि अभी इन बैम्बो हट्स को बने हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और रात में कुछ जो है यहाँ पर लोग आकर इन हट्स को तोड़ गए हैं और अंदर बैठ के जो है इस बैम्बो हट के अंदर जो है नशा कर रहे हैं। कब तक ये बैम्बो हट इस तरह से रहेंगे और ये जो बैम्बो हट्स हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका जो है ताला यहाँ से खुलेगा और जो व्यवसाय करने के लिए लोग इनमें आएंगे। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, करते हैं बात कि क्या कुछ कहना है इन बैम्बो हट्स के बारे में जो स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवसाय को भी बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हो पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ये बैम्बो हट्स बनाए गए थे BC रोड पर कि सौंदर्यकरण के साथ साथ लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, लेकिन अब भी जो ये बैम्बो हट्स हैं जो कि त्यों हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देख लो आप हालत आगे पीछे, इसका तो कोई फायदा नहीं, अगर फायदा करना है इसको शुरू किया जाए, जहाँ हमें अलाट किया जाए हम भी पीछे हैं, बोनी नहीं होती इधर। देखो आपके सामने बैठे हैं, फुटपाथ छोड़ के ये थोड़े थोड़े कपड़े लगा के बैठे हैं, वो फुटपाथ पे बोलते नहीं हम पीछे बैठे हैं, पर बोनी नहीं हुई, सुबह की बोनी नहीं की हमने। आपने कभी किसी से बात की कि इसे अलॉट कर दिया जाए हमारे लिए? हम बात किससे करेंगे, बात सुनने वाला कौन है, किसी से नहीं की। आप लोग आए आपसे बात कर रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि इन्हें आपको अलॉट कर दिया जाए? अगर गवर्नमेंट कर सकते हो, कर हो जाए तो अच्छी बात है, गरीबों का भला हो जाएगा और क्या होगा, हमारे भी रोजी रोटी चल जाएगी। पीछे तो हमने सुबह की बोनी नहीं की है, ऐसे बैठे हैं पीछे, कोई ग्राहक आता नहीं है, क्या करेंगे। सुबह के 9 बजे के आए, अब 2 बजे का टाइम हुआ, अभी तक बोनी नहीं की है। 40-50 हमारी फैमिली है हमारी, अभी बीच में लड़के आए हैं, बीच में नहीं है, तो बीच में तो क्या करना, फिर बैठे हैं यहाँ पर। और भी हैं व्यवसाय करने वाले, इनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष थक्याल। मैडम जी, जबकि ये बने हैं साल भर स्मार्ट सिटी ने ये बनाए थे, गरीबों का बेड़ा गर्क करके ये आगे ये खड़े कर दिए, ना तो ये म्यूनसिपैलिटी, उनको पूछो तो म्यूनसिपैलिटी का बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी को बोलो तो वो स्मार्ट सिटी के लिए बोलते हैं। ये दोनों आपस में पता नहीं क्या करके बैठे हैं, ना तो गरीबों को ये दे रहे हैं, 50-50 साल से हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे फादर साहब बैठते थे यहाँ, अब हम आए हैं, मेरे को भी 40 साल हो गया बैठे हुए, हम इनको बार बार बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करो, इनका जितना आपको रेंट लेना है, जितना आपको पैसे लेने हैं, जितने हमें दो, हम भी गरीब रोटी खाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। यहाँ तो दारू का अड्डा बना है, रात को देखो इतनी दारू, आप देखो यहाँ पे कैमरा मारो, ये देखो कितना गंदा है, और यहाँ देह व्यापार का धंधा है, आगे दरवाजे टूटे हुए हैं या उन्होंने तोड़ के दरवाजे, अंदर देह व्यापार का धंधा चलता है और यहाँ पे गंदगी इतनी है, दारू का अड्डा बना हुआ है। हम ये गवर्नर साहब से और म्यूनसिपैलिटी से और स्मार्ट सिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अगर आपने बनाए हैं तो इसका कोई हल करो, ये हमारे हम ही लोगों के पैसे हैं, जो हमारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं इकट्ठा करके, जो तो इन्होंने बनाए हैं, इनका कोई मिसयूज़ हो रहा है, जो कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है, साल भर का अगर हम गरीबों को देते, हम पेट भर खाना खाते और बच्चों को खिलाते, हमारा भी पालन पोषण चलता,
दो साल से बिना बोनी के महीना महीना चला जाता है, पीछे बैठे हुए हैं, तब भी म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ आके तंग करते हैं। नहीं जी उठो यहाँ पे, ये आप गंदगी देखिए, आप आए 10 मिनट में देखो कितने बदबू है यहाँ पे। यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर ये बनाए हैं हमें रेंट पे दो, जितना किराया हम देंगे और हमारा भी पालन पोषण चलता रहेगा और आपका जो किराया वो अदा करते रहेंगे। तो इन बैम्बू हट्स के पीछे जो ये वेंडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेंडर्स काफ़ी समय से, कई सालों से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं और इनकी लगातार कई बार इनकी ये डिमांड भी इन्होंने की है कि ये हट्स जो हैं इन्हें अलॉट कर दिया जाए, जो भी रेंट लेना है, जो कुछ भी ये गवर्नमेंट चाहती है हम उन्हें पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो हट्स हैं, बैम्बू हट्स जो सौंदर्यकरण के साथ साथ व्यवसाय के लिए भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, उन्हें जो है इन्हें अलॉट कर दें ताकि जो कस्टमर है वो इनके पास आए और इनका भी जो व्यवसाय है वो आगे चल सके। आपका नाम? राम है। राम, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमें तो काफ़ी साल हो गए, मम्मा पापा पहले बैठते थे यहाँ पे, दादी नानू सब बैठते थे, तो हमें भी अभी 30 साल उम्र है मेरी, यहाँ का ही जन्म है, तो 30 साल समझ लो, 40-50 साल हमें यहाँ पे हो गया मार्केटिंग करते हुए। तो अब ये जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोटेस्ट चला है, तो इन्होंने हमारी शॉपें पहले आगे थी, अब बैक साइड में कर दी, अब यहाँ पे फुटपाथ बना दिया है, तो इतनी सी लाइन में हमें बैठने के लिए बोलते हैं। और लोगों की गंदगी है, देखो यहाँ पे हमने बैठना है, यहाँ पे गंदगी डाल रखी है, ऐसी गंदगी में कैसे हम बैठेंगे? आगे भी गंदगी डालते हैं, स्मार्ट सिटी बनाई है, देखो स्मार्ट सिटी में कोई वो नहीं है, पूरी देखो पूरी जगह सारी गंदगी है, इधर देखो यहाँ पे बीच में गैप छोड़ के इन्होंने पूरा गंद फैला दिया हुआ है। ये स्मार्ट सिटी बनाई है, आप खुद देखो कि ये स्मार्ट सिटी किस तरीके की है, खाली दुनिया को दिखाने के लिए स्मार्ट सिटी है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? तो ये स्मार्ट सिटी जब बना रहे हैं तो हमारे गरीबों का भी पहले सोचो ना, गरीबों को पहले सोचोगे तभी तो गरीब आगे बढ़ेगा। ऐसे बोलते गरीब बढ़ो आगे, गरीबों को पहले ही मार रहे तो बढ़ेंगे कहाँ से गरीब? अब ये गंदगी के अंदर बैठे, 1 इंच का हम आगे आते हैं तो कमेटी वाले बोलते भाई फुटपाथ हमें क्लियर चाहिए, आप वैसे जैसे मर्जी बैठो, आपको इतनी सी लाइन मिली है आप उसमें ही बैठ सकते हो। अब बताओ यहाँ पे गंदगी देखो, आप खुद देखो कैमरा करके जरा, ये पूरे में ऐसे है, कहीं पर ऐसे नहीं। बात की कि ये जो हट्स आपको दिए गए हैं इन्हें आपको अलॉट कर दिया जाए, अब देखो अलॉट कौन कर सकता है? गवर्नमेंट तो अभी है नहीं, सरकार किसी की है नहीं, गवर्नर राज है, गवर्नर राज में हम कुछ कह नहीं सकते किसी को भी। अगर होते जीएमसी या स्मार्ट सिटी वाले, देखो जीएमसी को बोलते जीएमसी थोड़ी हो, अपने पे बोलते स्मार्ट सिटी का है, और स्मार्ट सिटी वाले बोले वो जीएमसी का है, वो तो ऐसे हमें गरीबों को धक्के मारते हैं कि यहाँ से धक्का मारा उधर चले गए, वहाँ से मारा तो यहाँ पे चले गए, हम तो बीच में ही फंसे हुए हैं। तो कितना फर्क पड़ा है इन, समझ लो ना 1 रुपये में हमारा 10% काम रह गया है, बिल्कुल मार्जिन मार्केटिंग ख़त्म हो गई है। अब आप भी जानो कि भाई फ्रंट जो होता है, कस्टमर जो जो देखेगा, गाड़ी ये लगाते थे, गाड़ी लगा के कस्टमर अंदर आके देख सकते थे, अभी तो बिल्कुल कस्टमर जो मतलब जो लेने वाला होगा वही आएगा जिसको पता होगा, जिसको पता ही नहीं हो बारों बार चले जाएगा। आगे कश्मीरियों ने रेडिये लगा के पूरा गंद डाला हुआ है, तो पीछे तो मार्केटिंग हमारी जीरो हो गई है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट कोई सुने या हमारी की मदद करे तो वही कर सकते हैं बस। तो जैसे कि आपने देखा जब ये बैम्बू हट बने, तो और बैम्बू हट के बाद जो है यहाँ के वेंडर्स जो हैं वो पीछे आ गए और पीछे अब उन्होंने अपने जो है यहाँ पर जो है सामान यहाँ पर लगाया हुआ है, और कस्टमर बैम्बू हट बनने की वजह से कस्टमर को वही कस्टमर इनके पास आता है जिन्हें इनके बारे में पता हो, जो इनके बारे में नहीं जानता वो यहाँ से आगे की ओर निकल जाता है, क्योंकि इन बैम्बू हट्स की वजह बैम्बू हट बनने की वजह से जो है इनका काम जो है छुप गया है, जिसके कारण लोगों को नहीं पता चल पाता कि यहाँ पर पीछे भी जो है कपड़े बिकते हैं, यहाँ पर पीछे भी कुछ सामान लिया जा सकता है। अब ये बैम्बू हट ताला खुलने के उम्मीद में है, कब यहाँ पर इन बैम्बू हट्स का ताला खुलेगा और यहाँ के जो वेंडर्स हैं उन्हें कब व्यवसाय मिलेगा, कब वो इस बैम्बू हट का इस्तेमाल कर अपनी रोजी रोटी को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर तो एक सवालिया चिन्ह बन गया है। इनसे पूछा जब हमने बात की तो इनका कहना है कि हम जेएमसी के पास जाते हैं तो जेएमसी कहती है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों के पास जाइए। तो लेक अब मकसद अब इनकी परेशानी जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि इनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि 1 रुपये में लगभग 10 पैसे का काम जो है अब रह चुका है। कब तक ये बैम्बू हट्स खुलेंगे और कब इनको अलॉट किया जाएगा इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ के जो वेंडर्स हैं उनकी मुश्किलें ज्यों की त्यों नहीं है,
ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की स्मार्ट सिटी की प्रॉब्लम्स हम अक्सर आपके सामने लाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जिन जगहों पर सरकार की नज़र नहीं गई हम उन प्रॉब्लम्स को आगे लाएँ और ताकि ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो और इन पर भी जो है कुछ काम किया जा सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।